नदी अपने पूरे आवेश में बह रही है, लहरें उफान पर हैं, घाटों पर कई फुट तक पानी बढ़ गया है, आसपास के मंदिर डूब गए हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है। तस्वीरें बुरहानपुर की ताप्ती नदी की हैं। पिछले 2-3 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से बुरहानपुर में ताप्ती और उतावली नदी उफान पर आ गई है, जिसके बाद प्रशासन ने भी घाटों और निचली बस्तियों में रह रहे लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। SDRF की कई टीमें भी मौके पर मौजूद हैं ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से निपटा जा सके। यहाँ पे बुरहानपुर में लगभग 7 घाटों के ऊपर पूरा फोर्स लगा हुआ है होमगार्ड का, और SDRF के यहाँ पे 2 KRT टीम है। दोनों टीमें राजघाट के ऊपर अलर्ट स्थिति में हैं। इसमें लगभग SDRF के 12 जवान तैनात हैं। बता दें कि MP में कई दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है और कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, जिसको लेकर CM मोहन ने भी अधिकारियों के साथ बैठक ली थी और साफ निर्देश दिए थे कि बारिश की वजह से किसी भी तरह की जनहानि ना हो। साथ ही साथ कई इलाकों में जलस्तर बढ़ने से डैमों में पानी लबालब हो गया है, जिसके बाद डैमों के भी गेट खोले जा रहे हैं। इससे नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में रह रहे लोगों पर बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। बुरहानपुर में भी ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में इस समय बारिश के कई सिस्टम एक्टिव हैं। साथ ही साथ 31 जुलाई से स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी शुरू होने का अनुमान जताया है, जिससे आगे भी तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। बुरहानपुर से अशोक सोनी की रिपोर्ट। हैप्पी टाइम।